गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कल हमने क्रिया की डेफिनेशन, उसके जो धातु रूप और उसका सामान्य रूप किया था। आज हम क्रिया के भेद करेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर हमारे पास जो क्रिया के भेद हैं वो दो होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, हम सबसे पहले सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्म यानी जिसके साथ कर्म हो, यहाँ पे स का मीनिंग क्या है, साथ, यानी सकर्म यानी जिसके साथ कर्म हो, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, या जिस क्रिया के साथ कर्म लगा होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मयंक ने पिताजी को पत्र लिखा। बच्चों हमें सकर्मक की पहचान के लिए बता देती हूँ एक बार कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास सकर्मक क्रिया है। क्या, किसे, किसको, आप ये तीनों चीज़ें लेके प्रश्न करोगे। अगर आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। किसे लेकर, क्या, किसे और किसको लेकर। जैसे कि मयंक ने क्या लिखा, ठीक है, और या फिर किसे लिखा और किसको लिखा। हमने तीनों प्रश्न किए हैं और हमें तीनों के उत्तर क्या मिले हैं कि मयंक ने क्या लिखा, मयंक ने पत्र लिखा, किसे लिखा, पिताजी को। ठीक है, तो हमें क्या, किसे, किसको, इन तीनों के हमें प्रश्न के उत्तर यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ये है सकर्मक क्रिया। ओके, आपको तीनों के प्रश्न करके देखने हैं तीनों से, अगर आपको उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे कि आगे है हमारे पास अकर्मक क्रिया, किसे कहते हैं, अकर्म यानी बिना कर्म के, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता या जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं लगा होता वो होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आपको क्या, किसको और किसे, ये तीनों वर्ड लेने हैं। तीनों वर्ड लेके आपको प्रश्न करना है, अगर आपको प्रश्न करने के बाद इनका उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक है। ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो अकर्मक है। जैसे कि राम दौड़ रहा है, प्रश्न करो राम क्या दौड़ रहा है, राम किसको दौड़ रहा है, राम किसे दौड़ रहा है, तो क्या आपको इनके आंसर मिले इसमें से, नहीं मिले, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया। ओके, यानी इसके साथ कोई कर्म नहीं लगा हुआ है तो ये अकर्मक क्रिया है। और इसकी पहचान भी मैंने आपको बता दी है कि आपने तीनों को लेके, क्या, किसको और किसे, तीनों वर्ड लेके आपने प्रश्न किया है तो आपको इनका उत्तर नहीं मिला है तो अकर्मक है। ठीक है, कर्म लगा होता है सकर्मक है, बिना कर्म के अकर्मक है। ठीक है, क्या, किसे, किसको, अगर आप लेके प्रश्न करते हो उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है। अगर इन तीनों को, क्या, किसको, किसे लेकर प्रश्न करते हो दोबारा से और उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है। ओके बच्चों, आपको ये अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है और इसको रिवाइज करना है। ओके।